थ्योरी वाले पॉइंट का पोर्शन कितना इम्पोर्टेंट है वो आपने देख लिया होगा। अगर आउट ऑफ 100 में बात करूं, 20 एक अप्रॉक्स फिगर है जो कि लगभग लगभग सीए फाउंडेशन के अकाउंट्स वाले एग्जाम में आया ही आया है। और पैटर्न की अगर बात करते हैं लाइक मैं प्रीवियस एग्जाम्स की, आप 23 में बात करें लाइक 19 मार्क्स दिख रहा है, 22 की अगर मैं बात करता हूँ तो वही लगभग 21 का पार्ट जा रहा है, जून 22 की बात करता हूँ तो अप्रॉक्सीमेटली वही 21, तो अप्रॉक्सीमेटली 2021 की वर्किंग 20 नंबर के आसपास केवल थ्योरी वाले पॉइंट से आ रही है। अब मैं पीछे जो अभी मैराथन वाले पार्ट में मैंने बातचीत की थी, लाइम आपके बीच में 145 पे आया था एग्जाम टाइम के अकॉर्डिंगली, तो उसमें मैंने बताया था कि देखो प्रैक्टिकल आपने शेयर कैपिटल उठा लिया, फाइनल अकाउंट उठा लिया, फिक्स हैं जो आने ही आने हैं यार, ऐसे करके 60 पार आपका डिट्टो पार्ट बनता है यार, तो उसको लेकर रिस्क ना लें। अब थियोरेटिकल पॉइंट, अब मॉक का देख लो यार, मॉक दिसंबर 23 का मॉक 2 है, ये कितने नंबर का बन रहा है? 21 का। दिसंबर 23 मॉक 1 कितने का बन रहा है आपका? 21 का। ये जितना दिया हुआ मैटर है, ये इन 2 दिनों में केवल इस पार्ट की क्लियरिटी ले लो, इसको लेकर कंफ्यूजन मत होने दो अपनी। क्या है इसके अंदर? सर ये कह रहा है कि कंजर्वेटिज्म के अकॉर्डिंगली अकाउंटेंट जो है सभी पॉसिबल लॉसेस को दिखाता है, इनकम को नहीं दिखाता। बिल्कुल ट्रू बोल रहा है। अभी बात किसने बोली है? कंजर्वेटिज्म ने बोली। इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, ठीक है ना? तो ये बिल्कुल करेक्ट है सर। एक्सपेंस इन कनेक्शन विद द लाइसेंस फॉर रनिंग ऑफ सिनेमा हॉल आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर अगर हम सिनेमा हॉल के लिए लाइसेंस ले रहे हैं ना, तो ये जो एक्सपेंस है हमारा, ये लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देने वाला है सर। ये हमारा सर कैपिटल नेचर का पार्ट होगा, ना कि रेवेन्यू नेचर वाला। अंडर और ओवर कास्टिंग और सब्सिडरी बुक इज एन एग्जांपल ऑफ एरर ऑफ कमीशन। कास्टिंग का मतलब होता है टोटलिंग, ओवर मतलब ज्यादा टोटल कर दिया, कम टोटल कर दिया। अब एरर में हम 2 पार्ट बांटते हैं सर, एक प्रिंसिपल एक क्लरिकल। प्रिंसिपल के अंदर तो क्या हो गया, कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंस ही गलती हो गई सर, तो उस पॉइंट को हम क्या ट्रीट करेंगे सर? उस पॉइंट को हम प्रिंसिपल में ट्रीट करेंगे। कोई एक्सपेंस ट्रेडिंग फील्ड में जाना था, बैलेंस शीट में ले गए, एंड वाइस वर्सा। दूसरा पॉइंट अगर मैं बात करूं, आपका जो क्लेरिकल है, क्लेरिकल के अंदर 3 पार्ट बनते हैं आपके, ओमिशन कमीशन कंपनसेशन। ओमिशन में भूल गए, रिकॉर्ड करना है भूल गए, तो इसमें पार्शली ओमिशन हो सकता है, उसमें फुल्ली ओमिशन हो सकता है। सेकेंड पॉइंट में आता है सर, उसको हम प्यार से बोलते हैं आपका कमीशन, जहां गलत अमाउंट गलत अकाउंट गलत साइड ही गलती हो जाती है। डेबिट का क्रेडिट कर दिया, 5,000 की जगह 500 कर दिया, ठीक है ना, राम की जगह श्याम कर दिया। प्रिंसिपल में एरर नहीं कवर हुआ तो हम क्लेरिकल में बात करते हैं। तो अगर कास्टिंग टोटलिंग ही गलती होगी तो बिल्कुल ठीक कह रहे, कमीशन वाला पार्ट ही काउंट होगा। थ्योरेटिकल डिस्कशन में देखे चलेंगे, 20 नंबर तक का माल पानी आपका सेम टू सेम डिट्टो पार्ट चलना है। आगे डेलीगेटेड कमीशन पे टू कंसाइनी, लॉस ऑफ बैड डेट टू बी बोर्न बाय कंसाइनर। अब देखिए अगर डेलीगेटेड कमीशन दिया जा रहा है तो सर कंसाइनर अपने आप को फ्री करना चाहता है बैड डेट के लॉस से, इसलिए दिया जा रहा है ना कि आपने किसी को सामान उधार बेचा है और वो पार्टी पेमेंट नहीं दे पाती है। अब कंसाइनर तो जानता नहीं उस पार्टी को कौन है वो, तो उसके लिए जो भी सिरदर्दी पालनी है वो कौन पालेगा? कंसाइनी पालेगा। तो लॉस कौन बियर करेगा? कंसाइनी बियर करेगा। कमीशन दे तो दिया तेरे को एक्स्ट्रा, तो कमीशन 3 टाइप के होते हैं, नॉर्मल, डेलक्रेडर, ओवरराइडिंग, सेल बढ़ाने के लिए ओवरराइडिंग, उधार क्रेडिट सेल का लॉस बैड डेट का लॉस के लिए डेलक्रेडर, और तीनों लगते हैं नॉर्मल पार्ट पे ही है, जब तक तो कंडीशन कुछ अलग से ना दे रखी हो। तो Perpetual debenture are payable, अब perpetual का मतलब होता है जो लाइफ टाइम चलते रहे, कंटिन्यूएशन पार्ट में चलते रहे। प्रैक्टिकली ऐसे डिवेंचर होते ही नहीं है, बट अगर वो कह रहा है कि अगर थ्योरेटिकल पॉइंट में बात करें, perpetual debenture, yes, जो कंटिन्यू पार्ट में रहेंगे और कंपनी जब लिक्विडेट होगी एंडिंग पॉइंट में आएगी, जब बंद होने पर आएगी तब उसकी पेमेंट दी जाएगी। ओवरहेड इज डिफाइंड एज टोटल कॉस्ट ऑफ डेट मटेरियल, डेट वेजेस एंड डेट एक्सपेंसेस। नहीं सर, ओवरहेड का मैटर जो है इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर के पॉइंट के साथ आता है। तो ये थ्योरेटिकल पॉइंट आपको थोड़ा सा उसी कॉन्टेक्स्ट पॉइंट के अंदर आप देख लीजिए, और ये पूरी फाइल कंपाइल करके आपको दे दी। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी उस मैटर को मैं प्रॉपर तरीके से आपके लिए एक्सप्लेन कर दूंगा, तो मेक श्योर उन चीजों को लेकर कहीं
भी कोई कंफ्यूजन है तो बातचीत कर लें अभी। मेंटलिटी क्या कहता है? अब देखिए, मेंटलिटी का मतलब होता है कि जब भी हम अपने बुक्स के अंदर एक्सपेंस को रिकॉर्ड करते हैं, एसेट्स को रिकॉर्ड करते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन ना टाइम पास थोड़ी रिकॉर्ड हो रही है, उसका यूज है सर। अब अगर हम कहते हैं लॉन्ग रन के लिए कोई एसेट, मतलब कोई आइटम यूज में आएगा, किसी का बेनिफिट लंबे टाइम तक हमें मिलना है, तो उसको हम एसेट का नाम देते हैं। और कोई आइटम ऐसा है जिसका बेनिफिट एक साल में खत्म हो जाता है, उसको हम रेवेन्यू का नाम देते हैं, उसको एक्सपेंस का नाम देते हैं, और पी एंड एल में आता है। लॉन्ग रन में यूज होगा तो एसेट में बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। अब आपने बिल्डिंग दिखाया, मशीनरी दिखाया, फर्नीचर दिखाया, अब उसके नीचे लिखा हुआ स्केल, पेन। अब 50 लाख की बिल्डिंग है, उसके नीचे 10 रुपए का स्केल लिखा हुआ है, तो अकाउंटेंट अपनी जगह ठीक है सर, लॉन्ग रन तक स्केल चलेगा, स्केल टूटा ही नहीं है, स्केल का फायदा लंबे टाइम तक मिलने वाला, लेकिन क्या मेरी डिसीजन मेकिंग में उसका कोई रोल है? क्या वो चीज कहीं भी मेरे लिए मैटर करती है? तो अगर वो मेरे लिए मैटर करती ही नहीं है, देन वाई शुड आई रिकॉर्ड इट एन एसेट? तो उसको मैं एक्सपेंस मान लूं, तो उन चीजों को लेकर वो ले मैटर नहीं करती, तो मेंटलिटी कॉन्सेप्ट के बेस पर बेशक लॉन्ग रन में उनका बेनिफिट मिलना है, फिर भी मैं उसी साल में उसको पूरा एक्सपेंस दिखा दूंगा। कंजर्वेटिज्म, अभी ऊपरी बात की, फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को हम एडवांस में दिखाते हैं, और अगर प्रॉफिट में कोई फ्यूचर में होने वाला है तो उसको एडवांस में नहीं, वो एक्चुअल रियलाइज हो जाएगा ना, प्रॉफिट रियल में हो जाएगा, तभी आपका एग्जाम हुआ अच्छा हुआ तो पहले ढोल नहीं पीट देने फेसबुक पे इंस्टा पे डाल दिया, अरे भैया भाई के रैंक आएगी, नहीं भाई जब आएगी तब देख लेंगे। अगर खराब हुआ तो उस केस में कोई पूछे आपसे, तो आप घर वालों को पहले से उसके रिगार्डिंग, अभी है कि सर एटलीस्ट रिजल्ट तक तो घर वाले चुप रहेंगे, तब तो सिरदर्दी नहीं करेंगे, तो आप उसके लिए मे भी झूठ बोल दे, लेकिन वो फिर एक उम्मीद ज़्यादा पल जाते तो आपके लिए दिक्कत हो जाती, तो आप पहले से उनको रेडी कर देते हैं और कि भैया नंबर कुछ खास आने नहीं वाले। उसके बाद अगर आ गए, बल्ले बल्ले क्या बात है, देखो इतने टफ टाइम के अंदर भी देखो मैंने एग्ज़ाम निकाला है भैया, और अगर मान लो नहीं आए, देखा पहले ही कहा था मैंने, तो पहले ही बोला था नंबर इस बार ठीक ठाक बनने नहीं वाले, तो एक आप अपने स्टेम अपने स्टेक होल्डर्स को भी ना आप एक मेंटली रेडी करते हैं, एक रियल पिक्चर देने की कोशिश करते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम, ऐसे आइटम जो रूटीन नेचर से ऊपर के होते हैं, जो ऑर्डनरी प्रोसेस के अंदर नहीं होते हैं, वो लॉस भी हो सकता है, अर्थक्वेक एंड ऑल दैट, लॉटरी इनकम एंड ऑल दैट, वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। फ्लोटिंग चार्ज, जो फ्लोट वर्ड होता है, जो तैर रहा हो ऐसे, फ्लोट कर रहा हो, तो अब अगर कोई भी हमारे क्या बोलते हैं उसको, कोई लोन लिया है हमने और वो बिल्डिंग के अगेंस्ट लिया है, तो मतलब फिक्स चार्ज है, किसी बिल्डिंग को बेचकर पेमेंट रिकवर होगी अगर डिफॉल्ट किया तो, लेकिन तुमने स्टॉक के अगेंस्ट अगर लोन ले लिया है तो स्टॉक तो चेंज होता रहेगा, बट पुराना जा रहा नया आएगा, तो उतनी वैल्यू का सामान वहां गोडाउन में पड़ा हुआ है, तो उतने वैल्यू पे फ्लोट कर रहा है आपका चार्ज, पर्टिकुलर एसेट फिक्स नहीं रहेगा, एसेट चेंज होती रहेगी, बट वो आपका जो एसेट पार्ट है वो आपका पर्टिकुलर आइटम चेंज होता रहे, उसको हम फ्लोटिंग चार्ज के नाम से लेके चलते हैं। चलिए सर, ये थ्योरेटिकल कॉन्टेक्स्ट। फिर आपसे जर्नल की इंपॉर्टेंस पूछता है सर, जर्नल, अब हम अकाउंटिंग साइकिल में पहला स्टेप जर्नल, फिर लेजर, फिर ट्रायल, तो जर्नल में सारा डाटा एक सिक्वेंस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर आप उसको रिकॉर्ड करते हैं, नरेशन से आप उस इन्फॉर्मेशन को निकाल सकते हैं कि इस डाटा के अंदर क्या मैटर, क्या टॉपिक, क्या कॉन्टेक्स्ट बोला गया है, ठीक है ना, उसी के बेस पर जर्नल ही तो है जो सारी हेल्प करता है लेजर की। अब लेजर मान लो कैश होगा, हाँ भाई क्या लिखा हुआ है, भाई मेरे डेबिट में लिखा हुआ कहाँ कहाँ से पैसा आया, अच्छा मेरे क्रेडिट में लिखा हुआ कहाँ कहाँ पेमेंट गई, ये डिटेल तेरे को बताई किसने भाई कि डेबिट में लिखना, भाई जर्नल ने बताई थी, जर्नल ने मेरी हेल्प की थी, तो वहां कैश टू सेल लिखा हो तो कैश के डेबिट में जाएगा, तो ये जर्नल ही है जो हमारे लेजर बनाने में हेल्प करता है। जर्नल में ही डाटा सीक्वेंस मोड में लिखा होता है, जर्नल के नरेशन के अंदर उसकी इंफॉर्मेशन की डिटेल, हम सोर्स तक पहुंचने का एक जरिया जर्नल हमें देके चलता है। तो एग्जामिनर आपसे किस सीक्वेंस में कैसे कैसे बातचीत कर सकता है, वो पॉइंट आपको प्रीवियस ईयर पार्ट के लगाने से हेल्प मिलने वाली है। तो आई होप कि आप उन चीजों को थोड़ा सा सिंसियरिटी से लगाने की कोशिश करेंगे। अब आगे कहता है, फाइनल स्टेटमेंट आर नॉट प्रिपेयर्ड ऑन द अजम्पशन दैट एंटरप्राइज इज गोइंग कंसर्न एंड विल कंटिन्यू ऑपरेशन फॉर द फोर्सिबल फ्यूचर। अब देखिए, अब इसमें गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा कि हम बिजनेस के अंदर कुछ भी काम कर रहे हैं इस इंटेंशन से कर रहे हैं कि वो लॉन्ग रन तक चलता रहेगा,
और ये कह रहा है कि स्टेटमेंट आर नॉट प्रिपेयर्ड ऑन द असम्पशन दैट एंटरप्राइज इज गोइंग कंसर्न विल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन फॉर द फॉरसील फ्यूचर. तो ये बात गलत बोल रहा है सर, हमारी असम्पशन इसी बेस पे चलती है और इसी रीजन से हम अपनी बुक्स के अंदर बैलेंस शीट में हम बिल्डिंग मशीनरी की बातें करते हैं, क्योंकि लॉन्ग रन एसेट करंट एसेट एक्सपेंस में तभी तो बंटवारा होगा कि बिजनेस जब लॉन्ग रन चल रहा होगा इस इंटेंशन से हम अपने आइटम्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं अपने बुक्स के अंदर. पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम इज अ मेथड ऑफ असर्टेनिंग इन्वेंट्री बाय टेकिंग एक्चुअल फिजिकल काउंट. अब पीरियोडिक के अंदर एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद आपको स्टॉक टेकिंग स्टॉक काउंटिंग करनी पड़ती है. परपेचुअल के अंदर तो रूटीन पॉइंट के अंदर आप बुक्स ऑफ अकाउंट के थ्रू डिटेल निकाल लेते हैं. तो यस, इसके अंदर आप जो है अपनी फिजिकल काउंटिंग के अंदर डाटा रिकॉर्ड करके चलते हैं. तो ये पार्ट आपका ट्रू कंटेंट के अंदर लेके चलेंगे. प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिट इज ऑफन नॉट प्रोवाइड इन कीपिंग विद द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म. अब कंजर्वेटिज्म ने क्या बोला था, फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को एडवांस में नहीं दिखाना है बट प्रॉफिट को दिखाना. अब मैंने क्रेडिटर की पेमेंट करनी है और मैं ये प्रोविजन मेंटेन करूं, शायद पेमेंट के टाइम पर कुछ छूट मिल जाए, कुछ डिस्काउंट भी मिल जाए. अरे मिलेगा तो देखेंगे ना, आप एडवांस में कैसे उम्मीद कर सकते हैं. उम्मीद करो बुक्स के अंदर तो ये मत मानो ना कि मुझे कम पेमेंट ही देनी पड़ेगी, जब डिस्काउंट एक्चुअल देते टाइम पता लग जाएगा. तो एडवांस में आप ना कई बार प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर ही मिल जाता, तो आप ये नोट डाल सकते हैं, एज पर द कंजर्वेटिज्म इट इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड टू डिस्क्लोज टू शो या टू गेट द टू शो इन द क्रेडिट इनकम ऑफ डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर पार्ट. तो डेटर में तो ठीक है कि आप मुझे लग रहा है शायद कम पैसे आएंगे, लेकिन देते टाइम शायद मुझे कम देने पड़ेंगे. भाई कैसे, जब देते देने के टाइम आएंगे तब पता लगेगा कि क्या कहानी है. ओके, इफ एरर आर डिटेक्टेड आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस एंड ऑल एरर आर रेक्टिफाइड थ्रू सस्पेंस अकाउंट. गलत बोल रहा है सर, ऑल नहीं, सिंगल साइड एरर जो होते हैं केवल वो वाले एरर सस्पेंस के थ्रू ठीक होते हैं. देखो ट्रायल से पहले अगर डिटेक्ट करेंगे तो वही सिंगल और डबल दो चीजों का रोल है, तो वहां एंट्री पास हो जाएगी. सिंगल होगा तो सस्पेंस के थ्रू एंट्री पास होगी, ये ध्यान में रख के चलना हम, ठीक है ना. और अगर लेकिन ट्रायल के पहले नहीं, ट्रायल के बाद होगा, तो क्योंकि ट्रायल को मैच करते टाइम दोनों का बैलेंस अगर अलग अलग हुआ तो हम सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करते हैं, लेकिन दोनों का बैलेंस अलग हुआ तो ट्रायल बनने के बाद हम सस्पेंस अकाउंट को खत्म करने के लिए एंट्री में उसका यूज करते हैं. ट्रायल से पहले होगा तो नहीं होगा, लेकिन सिंगल साइड में होने, तो स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है पूरी. बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल आर रिकॉर्ड इन द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट. हाँ ये बिल्कुल ठीक बोल रहा है, रिसीट पेमेंट को पार्शियलिटी नहीं करता सर. डेबिट साइड के अंदर पेमेंट आनी है, चाहे वो सब्सक्रिप्शन से आए, चाहे बिल्डिंग बेच कर आए, चाहे लोन लेकर आए, चाहे इंटरेस्ट से आए, चाहे वो ओल्ड न्यूज पर बेच के आए, तो वो रेवेन्यू और कैपिटल में बंटवारा नहीं करता. सेम पेमेंट साइड भी, सैलरी दिया, रेंट दिया, बिल्डिंग खरीदा, मशीनरी खरीदा, चाहे वो रेवेन्यू नेचर के लिए पेमेंट गई या कैपिटल के लिए पेमेंट गई, को पार्शियलिटी नहीं होके चलती है. ओके, फिक्स्ड चार्ज जनरली कवर ऑल द एसेट ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग फ्यूचर वन. अब फिक्स्ड चार्ज का मतलब होता है कि जो एक पर्टिकुलर एसेट को लेकर हमारा चार्ज रहता है, ठीक है ना. तो इसमें आपके सामने कवर ऑल द एसेट, सर ऑल द एसेट जो परमानेंट नेचर की एसेट्स होंगी उन्हीं को लेकर बात करेगा, स्टॉक को लेकर बात नहीं करेगा. उसमें एसेट चेंज होते रहेंगे, उनके ऊपर तो फ्लोटिंग चार्ज लगता है. अब ये दिसंबर 22 का पेपर है, कोई बच्चा इसको लेकर अगर जैन 23 वाला मतलब उससे अगला अटेम्प्ट वाला पेपर देने गया होगा, उसने फिक्स और फ्लोटिंग वाला पेपर लगाया होगा, डिट्टो सेम वर्किंग वहाँ पे फ्लोटिंग चार्ज को लेकर पूछ ली, ठीक है ना. और मैं अगर लगे लगा तो कंजर्वेटिज्म वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे पूछा गया, तो उसी चीज़ को लेकर उसने वहाँ पे कंजर्वेटिज्म को लेकर बात पूछ ली. जस्ट दो पेपर आप देख रहे हैं और वर्किंग आपको रिपीट होती हुई दिख रही है, और क्या चाहिए यार, आपके सामने है. और आप चलेंगे जब पीछे वाले पॉइंट में, कुछ भी ऐसा नहीं मिलने वाला कि बच्चा उस वर्किंग को क्लियर करके जा रहा और अटेम्प्ट ना कर पाए. अब सर प्रोविजन और कंटिजेंट लायबिलिटी की बात करता है. देखिए वर्डिंग पे ध्यान देना, इसके अंदर प्रोविजन क्या प्रेजेंट लायबिलिटी है, कंटिजेंट इज ए पॉसिबल ऑब्लिगेशन. देना पड़ भी सकता है, नहीं पड़ सकता है. यहां पर लायबिलिटी तो है प्रेजेंट में, बट अमाउंट अनसर्टेन है, ठीक है ना. प्रोविजन अगेंस्ट डाउटफुल डेट्स, पैसे डूबने तो हैं इसमें बट कितने मुझे नहीं पता. यहां पे कंटिजेंट पॉइंट में कोर्ट में केस चल रहा है, शायद हम केस हार जाएं, शायद हम जीत जाएं, तो यहां पे जो ऑब्लिगेशन है वो श्योर नहीं है. तो अगर पेमेंट देने के चांसेस हैं अगर,
तो हम कंटिन्यू लेविटी बोलेंगे। फुट नोट में दिखाई जाती है, अगर कहीं से कुछ मिलने के चांसेस हैं तो एडवांस में नहीं दिखाया जाता, उसको कंटिजेंट एसेट का नाम होगा। तो प्रोविजन इज प्रेजेंट लायबिलिटी ऑफ अनसर्टेन अमाउंट विच कैन बी मेजर्ड रिलायबली बाय यूजिंग ए सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन। प्रोविजन मीट द रिकॉग्निशन, इसको हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, इसको हम बुक्स में कहीं ना कहीं एडवांस में दिखा सकते हैं, इसको हम रिकॉग्नाइज फेल टू मीट। अब आपके ट्रू फॉल्स में उठ के आ जाएगा अगले पार्ट में, सेम टू सेम वर्किंग, कि प्रोविजन मीट द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया प्रूव करो या कंटिजेंट लायबिलिटी। तो आपको थियोरेटिकल वाली वर्किंग के समरी बनाने बैठोगे तो एक लिमिटेड सा स्कोप है यार। और मैं कह रहा हूँ प्रीवियस ईयर मॉक की पूरी कंबाइंड फाइल बन गई है, इससे बाहर नहीं है कुछ भी यार, कुछ भी नहीं है, बिलीव मी। रिकॉग्नाइज व्हेन एंटरप्राइज हैज ए प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज एम्बोर्डिंग इकोनॉमिक बेनिफिट इज प्रोबेबल एंड रिलायबल एस्टिमेट कैन बी मेड ऑफ द अमाउंट। रिपीट ही कर रहा है यहां पर, एक रिलायबल एस्टिमेट है, एक मतलब एक जिसपे हम कुछ थोड़ा एश्योरेंस कर सकते हैं कि शायद, एक रिलायबल एक सोर्स है, ठीक है ना, एस्टिमेशन करने का। तो एंटरप्राइज है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट्स, कि प्री मेरा डेटर है जो हर साल जब हम साल एंड करते हैं मुझे पता है कि इतने के डेटर जो हैं वो लगभग लगभग डूबते ही हैं, ठीक है ना, उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपके सामने यह बातचीत चल रही है। इफ मैनेजमेंट एस्टिमेट दैट इट इज प्रोबेबल दैट सेटलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन विल रिजल्ट इन आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट, इट रिकॉग्नाइज एज ए प्रोविजन इन द बैलेंस शीट। तो कहां इसको बैलेंस शीट में दिखाएगा, इसको बैलेंस शीट में नहीं दिखाएगा, बाहर दिखाना है, इस तरीके से बातचीत हो रही है। चलिए, कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कंप्राइज ऑफ एनी कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू ब्रिंग द एसेट टू द लोकेशन कंडीशन एसरी फॉर कैबल ऑफ ऑपरेटिंग इन मैनर इंटेंड बाय द एंटरप्राइज, गिव एनी फाइव एग्जाम्पल ऑफ सच डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। अब आप किसी भी बिल्डिंग को, मशीनरी को, फर्नीचर को अपनी बुक्स में दिखाते हैं तो उसको रेडी टू यूज कंडीशन में लाने तक का सारा खर्चा लिया जाता है। एसी आपने खरीदा तो उसके लिए आपने परचेज के प्राइस के साथ इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी कैरिज पार्ट भी डाल दिया, ठीक है ना, आपने रिपेयरिंग चार्ज भी डाल दिया, आपने लीगल अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है, बिल्डिंग खरीदी नोटरी वोटरी, आपका स्टैम्प ड्यूटी आपको पे करनी पड़ सकती है, मेंटेनेंस चार्ज स्टार्टिंग में यूज करने से पहले मेंटेनेंस रिपेयर चार्जेस, ठीक है, बिल्डिंग खरीदी व्हाइट वॉश के चार्ज लग गए हैं सर, रिपेयरिंग का लग गया है, ठीक है ना, कमीशन देना पड़ गया है किसी ब्रोकर को, वो फीस पे करनी पड़ गई है, बाहर से एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं तो कस्टम ड्यूटी देनी पड़ गई जिसकी आगे रिकवरी नहीं होनी है, कोई जीएसटी पे किया जिसको आगे क्रेडिट नहीं मिलना, आईटीसी नहीं मिलना, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलना। तो जो भी रेडी यूजफुल कंडीशन में लाने तक का जो भी हमारा खर्चा होता है वो उसकी कॉस्ट में हम ऐड करके चलते हैं, तो वो हम PPAS 10 अपने आंसर में इसको जरूर एक्सप्लेन करते टाइम बता के चलना है आपको। कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कंप्राइज एनी कॉस्ट डायरेक्टली टू ब्रिंग द एसेट टू द लोकेशन एंड कंडीशन एसरी फॉर इट कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन ए मैनर इंटेंडेड बाय द एंटरप्राइज, एग्जांपल कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट राइजिंग डायरेक्टली फ्रॉम एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन ऑफ आइटम, कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन, इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट, इंस्टॉलेशन असेंबली कॉस्ट। तो रेडी करने तक का जो भी खर्चा होगा वो सारा का सारा पार्ट इसमें इंक्लूड करके चलना है। चलिए सर, कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग वेदर एसिडिटी, अब इसी में से ही आपका एमसीक्यू बना के पूछ लेगा, एक पर्टिकुलर आइटम को लेकर आपके वर्किंग पूछ लेगा। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपकी उस कॉस्ट में ऐड होता है नहीं होता है, ट्रायल रन एक्सपेंस आपके कॉस्ट में ऐड होता है नहीं होता, प्रोफेशनल फीस उसमें काउंट होगा नहीं होगा, तो उस डिट्टो सेम पार्ट बना के आपसे पूछ लेगा। चलिए सर, अब June 22 के अंदर हम जाते हैं, क्लेम दैट एंटरप्राइज इज परसुइंग थ्रू लीगल प्रोसेस वेयर द आउटकम इज अनसर्टेन। जस्ट मैं अभी वीडियो बनाते बनाते थर्ड पेपर पे पहुंचा हूं और आपके कंटेंट कितने रिपीट होने स्टार्ट हो गए। आप देखिए, कंटिजेंट एसेट लायबिलिटी को लेकर पिछले साल के पेपर में वर्किंग आ गई और सेम कंटिजेंट पॉइंट को लेकर फिर से आपके सामने वर्किंग उठ के आ गई है, और क्या चाहिए। तो ये क्या कह रहा है सर, क्लेम एंटरप्राइज परसुइंग थ्रू लीगल प्रोसेस वेयर द आउटकम इज अनसर्टेन। तो सर, अगर फ्यूचर आउटकम मिलने वाला तो कंटिजेंट एसेट है, और देने वाला पार्ट तो कंटिजेंट लायबिलिटी है, और उसको हम अब लीगल प्रोसेस के थ्रू लेकर चलेंगे तो क्लेम एंटरप्राइज परसुइंग थ्रू लीगल प्रोसेस वेयर आउटकम इज कंटिजेंट एसेट। तो आउटकम अगर हमारा जो है पॉजिटिव पॉइंट के अंदर है तो वो दोनों बताओ ना,
पेमेंट देनी पड़ सकती है, पेमेंट लेनी पड़ सकती है, तो लेनी पड़ेगी तो एसेट होगा, देनी पड़ेगी तो लायबिलिटी होगा। तो केवल आप उसको ये भी आंसर भी मुझे कंप्लीट नहीं लग रहा है। अच्छा, क्लेम लेने वाले कॉन्टेक्स्ट में बोला गया होगा तो ये एसेट का नाम आएगा। चलिए, तो कोई भी कोर्ट केस चल रहा है, अगर हम हार गए तो हम पेमेंट देनी पड़ सकती है तो इट्स लायबिलिटी फॉर अस, पेमेंट वहां से मिल सकती है तो एसेट। तो क्लेम इज परसुइंग थ्रू लीगल वेयर द आउटकम इज अनसर्टेन, तो क्लेम हम कर रहे हैं तो हम कुछ लेने की बातें कर रहे हैं तो उसको हम लायबिलिटी नहीं बोलेंगे, उसको हम एसेट का नाम देंगे। 20 नंबर आपके फिक्स हो रहे हैं दोस्तों इस वीडियो में, प्रीवियस ईयर पार्ट के जो भी वर्किंग आप लगा रहे हैं, रिपीट होते खुद भी देख रहे हैं, लंबी वीडियो डेफिनेटली जाने वाली, मुझे पूरा पूरा पता है, तो आप 2x करके फटाफट देखते जाओगे तो कंटेंट दिख जाएगा। हाँ, सारी दिमाग में कहानियां जा चुकी हैं, पहुंच चुकी हैं। एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर ऑल द नॉमिनल अकाउंट्स आर बैलेंस। सर, पर्सनल और रियल वाले बैलेंस होते हैं, नॉमिनल वाले क्लोज होते हैं ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट के थ्रू। आपके एग्जाम में एंट्री पूछ ले कि भैया रेंट को क्लोज करने की एंट्री बताओ, सर रेंट का डेबिट बैलेंस होता है और हम पीएनएल के डेबिट में जाके क्लोज करते हैं, तो रेंट को क्लोज करना तो क्रेडिट में पीएनएल आएगा, पीएनएल के डेबिट में रेंट आएगा, एंट्री क्या बन जाएगी, पीएनएल डेबिट टू रेंट, पीएनएल टू सैलरी, जो भी पीएनएल के डेबिट में आ रहा है तो पीएनएल डेबिट टू इंटरेस्ट टू एडवर्टीजमेंट, ठीक है ना। अगर कोई आइटम ट्रेडिंग के क्रेडिट में आ रहा है लाइक सेल्स, तो सेल्स डेबिट टू ट्रेडिंग। कोई आइटम परचेज के मतलब ट्रेडिंग के डेबिट में आ रहा है लाइक परचेज, तो ट्रेडिंग डेबिट टू परचेज। समझ पा रहे हैं आप, इंटरेस्ट रिसीव्ड है, पीएनएल के क्रेडिट में जाता है, एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट डेबिट टू पीएनएल। तो जो भी ट्रेडिंग पीएनएल में आइटम आते हैं वो नॉमिनल नेचर के अकाउंट होते हैं और उनको क्लोज किया जाता है। जो पर्सनल और रियल वाले होते हैं वो बैलेंस शीट में आते हैं। तो आपके जो प्रीपेड आउटस्टैंडिंग, ये सारे पर्सनल नेचर के अकाउंट है, प्रीपेड सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, एक्यूड इंटरेस्ट, बिल्डिंग मशीनरी तो क्लियर है ही, वहां को डाउट नहीं, लेकिन सैलरी नॉमिनल है, प्रीपेड सैलरी पर्सनल है, डेबिट बैलेंस है एसेट साइड में आएगा, क्रेडिट बैलेंस है मेरा लेफ्ट साइड में आएगा। ट्रेडिंग पीएल में नॉमिनल वाले डेबिट साइड में आएंगे, क्रेडिट वाले क्रेडिट साइड में आएंगे। सॉर्टेड। चलिए, स्पेसिफिक ड्यू डेट एक्सक्लूड द एडिशन ऑफ ग्रेस डेज टू अराइव एट द ड्यू डेट। हाँ, डेट ही स्पेसिफिक है पर्टिकुलर की हमें 12 तारीख को ही पेमेंट देनी है बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर, वहां पे ग्रेस डेज ऐड करने वाला कोई ग्राउंड नहीं होके चलता। तो ये बिल्कुल ट्रू कह रहा है, वेदर ड्यू डेट इज स्पेसिफिकली गिवन देयर इज नो नीड ऑफ फर्दर एडिशन ऑफ 3 ग्रेस डेज, वहां पे ऐड करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अमाउंट स्पेंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ वॉर्न आउट पार्ट ऑफ मशीन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब देखिए, वॉर्न आउट पार्ट एक ऐसा पार्ट जो चेंज होता रहता है फिर दोबारा डलता है, चेंज होता रहता है दोबारा डलता रहता है, तो अमाउंट जो उस रिप्लेसमेंट वाले पॉइंट को हम अगर खर्चा करेंगे तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। अमाउंट स्पेंड रिप्लेसमेंट इज रेवेन्यू एक्सपेंस, इट पार्ट ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट। फॉर एग्जांपल, गाड़ी में टायर है, यूज होता है, फिर नया टायर डलता है, फिर यूज होता है, फिर नया टायर डलता है, यूज होता है, नया टायर डलता है, जो पार्ट आपका रिप्लेस होता रहता है, लग के दोबारा डलता रहता है, तो ऐसा पार्ट आपका रूटीन नेचर का मेंटेनेंस पार्ट है और इसको हम क्या करेंगे, इसको हम अपने पीएनएल में दिखाएंगे ना कि बैलेंस शीट के अंदर दिखाएंगे। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं। डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट अपीयर ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी। अब सस्पेंस अकाउंट कब आप क्रिएट करते हैं? अब देखिए, सस्पेंस अकाउंट आप क्रिएट करते हैं जब आप कोलैटरल सिक्योरिटी के लिए डिबेंचर इशू करते हैं। आपकी एंट्री पास होती है डिबेंचर सस्पेंस डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। वैसे तो हम इसको अपनी बैलेंस शीट के अंदर जब अपना फुटनोट आप बनाते हैं तो आप नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर लेस करके दिखा देते हैं, लेकिन अगर हम डिस्क्लोज करने की एक्चुअल में बात करके चलते हैं तो लॉन्ग टर्म पॉइंट के लिए होता है डेबिट बैलेंस है, तो नॉन करंट एसेट में आप इसको एज पर योर मॉड्यूल, ठीक है ना, ये आपको एज पर योर मॉड्यूल नॉन करंट एसेट के पॉइंट में डिस्क्लोज करना पड़ेगा।
If error are detected after preparing trial balance, then all the error are rectified through suspense account. हेलो, जो वीडियो पूरी देखता हुआ यहाँ पर आ रहा है, आपको वर्किंग पूरी दिख चुकी है कि कंटेंट रिपीट हो रहा है। मैं मजाक नहीं कर रहा, एंड तक फाइल पूरी लगा लेना, कुछ भी नहीं बचने वाला, रिपीट आपके सामने होता हुआ दिखेगा, माल पानी सारा सारा किया हुआ ही आपके बीच में आएगा। और इतना बच्चा जो लगा चुका होगा ना, को कुछ नया भी अगर बनेगा तो इतना दिमाग रेडी हो चुका है कि भैया आपने मेहनत लगाई है, कुछ भी नहीं जाने वाला, कुछ भी नहीं बचने वाला। हाँ जी, तो इसमें सर एरर अगर आपका रेक्टिफाई होगा तो सिंगल साइड अगर एरर होगा तो उसमें आप सस्पेंस का रोल लेके चलेंगे, डबल साइड होगा तो सस्पेंस का रोल नहीं आएगा। बाकी बातें आई थिंक अभी रिक्वायरमेंट नहीं। अब ये पूछ ले कल को कि भैया अगर अगले साल हमारी गलती ठीक हो रही है तो क्या करते हैं? अरे भैया, अगर इस साल में गलती ठीक नहीं हुई, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जाके हम कोई एरर को रेक्टिफाई करते हैं तो नॉमिनल नेचर का जो भी अकाउंट होंगे उसके जगह पे वर्ड आता पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। क्यों आता है? इसलिए आता है क्योंकि भैया अगर उस साल में आपने रेंट डेबिट कर दिया तो उस साल की जो परफॉर्मेंस है वो गलत निकल के आएगी, तो वो एक जो स्टेक होल्डर है जो इस इन्फॉर्मेशन को देखेगा, जिसके सामने वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पहुंचेंगी, उसको कहीं ना कहीं मिसगाइड करेगी वो डिटेल, तो इसलिए उसको आप सेपरेट नाम से दिखा दो। तो नॉमिनल नेचर के जो भी आइटम है तो उसमें रेंट है, सेल है, ठीक है ना, इंटरेस्ट है, रिपेयर जो भी है, तो उसमें आप उस आइटम का नाम ना लो नॉमिनल वाले का, क्योंकि वो पिछले साल ही गलती थी। अगले साल आप ठीक कर रहे हो तो आप पी एंड एल एडजस्टमेंट वर्ड यूज करेंगे इंस्टीड ऑफ एनी नॉमिनल आइटम। पर्सनल और रियल वाले में कोई गलती नहीं, जो भी आप रेक्टिफाई एंट्री पास करते हैं उस कॉन्टेक्स्ट में ध्यान करके चलना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट की बात करता है, तो मनी मेजरमेंट कहता है कि भैया हम जो भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं ना, जो भी इंफॉर्मेशन हम दिखा रहे हैं, तो वो मनी की मोड में हम मेजर कर सकें। तो दो तीन पैरामीटर इस डिटेल के पॉइंट के अंदर कि लाइक आपके पास 10 बिल्डिंग है तो सर हमें 10 बिल्डिंग मत बताओ, कितने रुपए की हैं इतने ही बताओ, मनी की मेजर में हम कर सकें। एक कॉमन डिनोमिनेशन आपका होना चाहिए, ठीक है ना, बार बार चेंज नहीं होना चाहिए। तो आप क्वांटिटी पॉइंट के अंदर यहां पे इंफॉर्मेशन नहीं दिखाते हैं, वैल्यू टर्म में बता दे, परचेज 10 लाख की कितनी यूनिट्स हैं, ये हम आपके सामने ट्रेडिंग अकाउंट में डिस्क्लोज नहीं कर रहे होते। तो हर इंफॉर्मेशन मनी की मोड में बात करनी है। दूसरा, हम क्वालिटी टर्म्स में बात नहीं करते हैं, ठीक है ना, वैल्यू उसकी कितनी हो, अगर किसी चीज को हम मनी में मेजर कर ही नहीं सकते, बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं करते, इसलिए कहते हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस ही हैं केवल जो हम रिकॉर्ड करके चलते हैं, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड ही नहीं होती है। मनी मेजरमेंट एज पर दिस कंसेप्ट ओनली दोज विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड, सिंस मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड स्टैंडर्ड ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू, दिस कॉन्सेप्ट रिक्वायर दैट दोज ट्रांजेक्शन अलोन दैट आर कैपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली टू बी रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ट्रांजेक्शन एंड इवेंट दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ मनी आर नॉट रिकॉर्ड इन द बिजनेस बुक्स। प्रोडक्टिविटी कॉन्सेप्ट, अब प्रोडक्टिविटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हमारे बिजनेस की जो एक लाइफ है ना, उसको शॉर्ट इंटरवल में बांटना बहुत जरूरी है। मतलब आपने कहा कि भैया मान लो आप क्लास 1 में आए थे स्कूल में और हम सीधा 12 साल के बाद एग्जाम ले रहे हैं, तो सर वो क्वालिटी तो निकल के नहीं आएगी ना, आफ्टर एवरी इंटरवल वी शुड हैव एग्जामिन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट। सेम आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और आप 5-7 साल के बाद संभाल रहे हैं कि मेरा ट्रैक कहाँ पर है, तो ये तो थिंग, ये तो चीज़ वर्कआउट नहीं करने वाली। तो उस पार्ट के लिए आपको क्या होगा कि आपको हर एक इंटरवल के बाद, एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने होंगे, अपनी परफॉर्मेंस निकालनी होगी, अपनी पोजिशन मेंटेन करनी पड़ेगी। तो कंप्लीट बिजनेस साइकिल को छोटे छोटे इंटरवल में बांट देते जो नॉर्मली 12 मंथ्स के होते हैं। ज्यादा के भी कर सकते हैं आप, कम के भी कर सकते हैं, लीगली ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, बट इनकम टैक्स एक्ट अपने हर 12 मंथ्स में आपसे अकाउंट मांगेगा, कंपनी एक्ट में आरओसी आपसे हर 12 मंथ्स में अकाउंट्स मांगेगी, जीएसटी वाले जो हैं रिटर्न फाइल करते टाइम मंथली या क्वार्टरली फिर एनुअली, तो वो जो लीगल रिक्वायरमेंट वो अलग है, लेकिन बिजनेस के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आप हैं राजा, अपनी अपनी परफॉर्मेंस कितने साल में देखना चाहते हैं। नॉर्मली वो 12 महीने का टाइम होता है। अब ये अप्रैल टू मार्च भी हो सकता है, ये जैन टू दिसंबर भी हो सकता है। अब कुछ कंपनियां अपने हिसाब से अप्रैल टू मार्च को हम बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर, जैन टू दिसंबर को हम बोलते हैं कैलेंडर ईयर,
ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। हमारी कंट्री में नॉर्मली अप्रैल टू मार्च, आपके स्कूल के सेशन भी अप्रैल में शुरू होते थे, मार्च में दी एंड होते हैं। हमारा बजट भी जो है वो फेब में आता है, वो फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च के बेस पे ही बजट अपना लेके आता है, तो वो एक पर्टिकुलर पीरियड को कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा। अकॉर्डिंग दिस कॉन्सेप्ट अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड आफ्टर एवरी पीरियड, नॉट एट द एंड ऑफ लाइफ द एंटिटी, ऑल्सो कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिनेट अकाउंटिंग पीरियड। अब आपसे इस वर्ड को लेकर बातचीत कर ले तो मेक श्योर इन चीजों को लेकर आप थोड़ा सा जब आप रीड आउट कर रहे हैं अलग से सेपरेटली नोट्स अपने मेंटेन कर ले। यूजुअली दिस पीरियड इज वन अकाउंटिंग ईयर, वी जनरली फॉलो फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च और इमीडिएटली फॉलोइंग ईयर, तो उसके रिगार्डिंग आपसे बातचीत करके चल रहा है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। What is petty cash book? अब नॉर्मली हम कैश बुक की बात करते हैं, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम। सिंगल कॉलम में केवल कैश है, डबल में कैश और बैंक है, और उसमें कैश बैंक डिस्काउंट है। क्लास 11 तक का बच्चा हो तो केवल डबल कॉलम की बात करता है, सीए में ट्रिपल। अब ये कहता है पैटी कैश बुक, पैटी कैश बुक आपके 11th में भी थी, आपके सीए के अंदर भी है, जहां पे छोटी मोटी जो भी हमारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम मेन कैश बैलेंस को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। घरों के अंदर भी आपने देखा होगा, अपनी फैमिलीज के अंदर भी देखा होगा कि आपके जो रूटीन एक्सपेंस, मान लो आपके महीने का खर्चा 1,00,000 रुपये, 50,000 रुपये, 40,000 रुपये, 30,000 रुपये इस लेवल का है, और आपके घर वाले सेविंग की हुई हैं शादी के लिए, घर खरीदने के लिए, आपके फर्दर स्टडीज़ के लिए 20,00,000, 30,00,000, ठीक है घर खरीदना है, 50,00,000 अलग से सेव कर रखें, तो दोनों ट्रांजेक्शन्स को मिक्स नहीं करते। रूटीन खर्चों के लिए हम अलग से कैश मेंटेन कर लेते हैं। अब बिजनेस के अंदर सेम आपके छोटे मोटे चाय पानी खर्चे हैं, प्रिंटिंग की कॉस्ट आनी है, कुछ रिक्शा वाले को पेमेंट करनी है, तो उन चीज़ों के लिए, पैटी चीज़ों के लिए हम एक कैशियर को पेमेंट पकड़ा देते हैं, भैया ऐसा है आप ये पैसा पकड़ो और इसके दम पर अपना ये हफ्ता निकाल देना, तो एक पेमेंट दे दी उसको मान लो 10,000 रुपये की, और फिर एक हफ्ते बाद देखते हैं भैया आपका बैलेंस जो है कितना खर्च हो गया, मतलब 10,000 कह रहे सर 7,000 खर्च हो गया, आज मेरे पास 3,000 बचे हुए हैं, ठीक है आप डिटेल मांगोगे बताओ ये क्या क्या खर्च हुआ, और लो फिर अगले महीने अगले हफ्ते के लिए फिर से 7,000 रुपये ले लो। इसको बोलते हैं इंप्रेस्ड कैश सिस्टम, जो अगले पार्ट के लिए फिर से आपके लिए एप्लीकेबल हो जाता है, इसको हम इंप्रेस्ड कैश सिस्टम के नाम से लेके चलते हैं। चलिए सर, तो इन ए बिजनेस हाउस नंबर ऑफ स्मॉल पेमेंट्स सच एज, अभी एग्जांपल बता रहा है आपको क्या क्या दे रहे हो आप, टैक्सी फेयर, कार्टेज, इफ ऑल पेमेंट आर रिकॉर्ड इन द कैश बुक इट विल बिकम अननेसेसरी हैवी, तो मतलब यूजलेस स्पेस भर दोगे ना, आपने न्यूज़पेपर खरीदा, आपने भैया सब्जी खरीदी, आपने ब्रेड लिया, तो आप अपना जो है रिक्शा वाले को दिया, आपने चाय ली, अरे भैया छोटे चीजों को अलग से रिकॉर्ड कर दो ना, मेरा ध्यान देखो, हमारा काम केवल रटके या केवल इन्फॉर्मेशन थोपने का नहीं है, इन्फॉर्मेशन डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर पाए। तो अभी आप जो फाउंडेशन ग्राउंड तैयार कर रहे हैं, आगे जाके मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी आप पढ़ेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग भी आप पढ़ेंगे, तो वो इन्फॉर्मेशन एक डिसीजन मेकिंग में रोल प्ले कर पाए। फॉर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि भैया उस वर्किंग की रियल इंटेंशन क्या है, पर्पज क्या है, क्यों वो टॉपिक आपके बीच में डाला गया है, उस एंगल से आप देखेंगे देन चीजें आपको बेटर समझ में आएंगी। फिर कहता है कि therefore it is usual for firm to appoint a person as a petty cashier, इसको बोलते हैं। अब आपके true false में petty cashier के regarding बोल दे, उसका बैलेंस पूछ ले, तो मेन कैश जो बैलेंस है उसी तरह बैलेंस होगा, मेरे लिए एसेट ही है, साल के एंड में दिखाया जाता है, ठीक है ना। तो एंड टू एंट्रेस द टास्क ऑफ मेकिंग स्मॉल पेमेंट, ऑफ कोर्स ही विल बी रिम्बर्स फॉर द पेमेंट मेड, जो भी खर्चा करेगा एक पीरियड के बाद उसको उस खर्चे की रिम्बर्समेंट मिल जाएगी, फिर नेक्स्ट पीरियड के लिए पेमेंट मिल जाएगी उसके पास। Later on analysis the respective account may be debited. Impress system petty cash followed under the system. Fixed sum of money is given to petty cashier for meeting expense for prescribed period. Advantages क्या होंगे? Saving of time of chief cashier, saving in labor in writing cash book and posting the ledger, control over small payment. तो एक तो बड़ा जो मेन अकाउंटेंट है उसका टाइम बचेगा, छोटी रिकॉर्ड्स को हम सेपरेटली रिकॉर्ड कर सकते होंगे, ठीक है ना। तो कुल मिला के डाटा सिंप्लीफाइड हो जाता है, जस्ट कॉमन सेंस लगा के पढ़ेंगे, बिना रट्टा करके पढ़ेंगे तो डिटेल जल्दी और टू द पॉइंट आपके लिए समझ में आएगी। रीइश्यू ऑफ फोरफिट शेयर, जैन 21 में आई वर्किंग है, रीइश्यू ऑफ फोरफिट शेयर इज अलॉटमेंट ऑफ शेयर बट नॉट ए सेल। अब देखिए, जब भी आप शेयर दोबारा रीइश्यू करते हैं तो आप रीइश्यू में बेचते ही तो हैं शेयर सर, तो सर रीइश्यू इज नॉट अलॉटमेंट शेयर बट ओनली ए सेल,
बिकॉज सच शेयर ऑलरेडी हैव बीन अलॉटेड अर्लियर, तो अलॉटमेंट तो पहले उनकी हो चुकी थी ना शेयर्स की. आज आप उन शेयर्स को बेच रीसेल ही तो कर रहे हैं एक तरीके से. कंपनी में आपने पहले शेयर होल्डर को बेचा था, फिर उनकी पेमेंट नहीं हो पाई, आपने उन शेयर को फॉरफिट कर लिया था, फिर नई पार्टी को आप उन शेयर्स को बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, ठीक है ना. तो दिस पार्ट इज फॉल्स. इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से देख लेना. सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल में बाय ए मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न इज ए रेवेन्यू रिसीट. अब आप सामान बना रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट में, गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे रही है. तो सर सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल, अब ध्यान देना वर्किंग कैपिटल वर्ड यहां पे यूज हुआ है. तो आपके सामने रूटीन पॉइंट को लेकर यहां पर वर्ड यूज हुआ है. तो रूटीन पॉइंट को लेकर अगर आपका खर्चा हुआ है उसके लिए गवर्नमेंट ने सब्सिडी आपको पे की है. कोई बिल्डिंग मशीनरी बनाने के लिए आपके लिए पेमेंट नहीं मिली है, डे टू डे एक्सपेंस को मीट करने के लिए पेमेंट मिली है. तो ऐसे रिसिट को हम रेवेन्यू रिसिट का नाम लेके चलते हैं. सेल बुक इज केप्ट टू रिकॉर्ड बोथ द कैश एंड क्रेडिट सेल. नहीं सर, आपकी जो सेल बुक है, अब देखिए जर्नल हमने दो टाइप में डिवाइड की हुई है. वन इज द कैश बुक, सेकेंड इज द अदर बुक. सॉरी जर्नल हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक जनरल जर्नल एक स्पेसिफिक जर्नल. स्पेसिफिक जर्नल को हम सब्सिडियरी बुक्स का नाम बोलते हैं. सब्सिडियरी बुक्स के अंदर कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बीआर, बीपी, जर्नल प्रॉपर इस पार्ट के अंदर काउंटिंग होती है. तो जो भी कैश आइटम हो तो कैश बुक में आ चुकी है ना. क्रेडिट आइटम अगर गुड्स को लेकर है, परचेज बुक में क्रेडिट परचेज आती है. और जब भी पीरियड एंड होगा तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन वहां से उठा के परचेज अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं. सेम जो भी क्रेडिट सेल होगी वो सेल बुक के अंदर आएंगी और वहां से इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होके सेल अकाउंट में ट्रांसफर होंगी. तो सेल बुक के अंदर केवल और केवल क्रेडिट सेल वाला आइटम आएगा. तो ये इंफॉर्मेशन आपकी फॉल्स है. तो सेल बुक इज रजिस्टर सप्लाई केप्ट फॉर रिकॉर्डिंग क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स. कैश सेल आर एंटर्ड इन द कैश बुक एंड नॉट इन द. अब आप थोड़ा आईसीआई के राइटिंग पैटर्न को समझे. वो फॉल्स ट्रू बोलकर चुप नहीं हो रहा है, वो बता रहा है. आप ये भी नहीं बोलोगे चुप हो रहा कि सेल बुक में नहीं आता. नहीं, सेल बुक में नहीं आता, ठीक है. कहां आता है फिर? सर कैश बुक में आता है. कैश सेल जो है सेल बुक में नहीं आता. क्रेडिट सेल तो आता है लेकिन कैश सेल नहीं आता, वो बता रहा है साफ साफ, ठीक है ना. फिर कहता है कि देर आर टू वे ऑफ प्रिपेयरिंग एन अकाउंट करंट. हाँ जी, तो देर आर थ्री वेज ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंट करंट विद द हेल्प ऑफ इंटरेस्ट टेबल, बाय प्रोडक्ट एंड बाय मीन्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बैलेंस. तो चैप्टर आपने अकाउंट करंट वाला किया ही, आई होप. तो उसमें ऐसा कोई नया पॉइंट नहीं है. कंसाइनी विल नॉट पास एनी जर्नल एंट्री इन हिज बुक्स एट अ टाइम रिसीविंग ऑफ गुड्स फ्रॉम कंसाइनर. तो कंसाइनर प्रिंसिपल है, कंसाइनी एजेंट है. तो जब भी वो सामान रिसीव करेगा तो वो रियल जब बिकेगा तो उसकी डिटेल अकाउंट सेल में उसको पकड़ानी है उसको. लेकिन सामान रिसीव कर रहा तो उसकी बुक्स में तो एज सच वो ओनरशिप में तो आ ही नहीं रहा ना. बुक्स में रिकॉर्ड हम करके करेंगे क्या, ठीक है ना. कंसाइन नॉट ए कंसर्न व्हेन गुड्स आर कंसाइन टू हिम और व्हेन द इनकर एक्सपेंस. ही इज कंसर्न ओनली व्हेन ही सेंड एन एडवांस टू द कंसाइनर, मेक ए सेल, इनकर एक्सपेंसिस ऑन द कंसाइन, अर्न हिज कमीशन. पास एनी एंट्री बुक्स एट टाइम ऑफ रिसीविंग गुड्स. अब एग्जाम्पल इस लेआउट को देखें तो केवल हा ना बोल के चुप नहीं हो रहा भाई. हां, जब सामान आएगा तो एंट्री पास करेगा नहीं करेगा. तो ये बता रहा है कि कब करता है. तो उस डिटेल को थोड़ा कंप्लीट कर रहा है कि सर जब वो एडवांस पेमेंट करता है तब रिकॉर्ड करता है, जब उसका कमीशन मिलना होता है तब एंट्री रिकॉर्ड करता है, जब गुड सेल हो जाती है तब रिकॉर्ड करता है. तो कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर जो भी कंसाइनी के नाम से चीजें आ रही हो केवल तब ही रिकॉर्ड करेगा, उसके अलावा कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी. हाँ जी, तो आगे आपके सामने पूछ रहा है कि अकाउंटिंग स्टैंड फॉर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी इंडिया आर इश्यूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. नहीं सर, जो भी हमारे अकाउंटिंग नॉन कॉर्पोरेट के लिए है, कॉर्पोरेट के लिए हमारे जो एमसी इशू करता है, लेकिन नॉन कॉर्पोरेट के लिए हमारा आईसीएआई इशू करके चलता है. तो ये एग्जाम में एएस को लेकर भी आपके सामने वर्किंग काफी इंपॉर्टेंट है. हाँ जी, अब कैपिटल कमिटमेंट, एक्सपायर्ड कॉस्ट. अब देखो फ्लोटिंग चार्ज तो पहले भी आ रखा था, अब ये ठीक है. अब सोलिसेंस एंड ऑलरेडी नए टर्म्स कुछ आपके सामने, अब डेप्रिएशन वाली टर्म्स के अंदर से कुछ चीजें आती हैं. तो एक एक करके एक एक नंबर के पार्ट ज्यादा नहीं. तो कैपिटल कमिटमेंट मतलब जो भी आपको फ्यूचर में पेमेंट देनी है, फ्यूचर लायबिलिटी फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच
कॉन्ट्रैक्ट हैव बीन मेड, तो कोई भी ऐसा खर्चा है जो हमने कमिट किया हुआ जो हमें फ्यूचर में पे ऑफ करना ही करना है, उसको हम कैपिटल कमिटमेंट की कैटेगरी में लेकर चलेंगे। एक्सपायर कॉज द पोर्शन ऑफ द एक्सपेंडिचर फ्रॉम विच नो फर्दर बेनिफिट एक्सपेक्टेड ऑल्सो टर्म्ड एज एक्सपेंस। मैंने कोई भी खर्चा किया था और उसका बेनिफिट एक्सपायर हो चुका है, उसका यूज कल को नहीं मिलना है, तभी तो हम उसको एक्सपेंस का नाम लेते हैं। फ्लोटिंग चार्ज, पहले बात कर चुके हैं कि किसी एसेट्स पे हैं विच आर नॉट अटैच टू स्पेसिफिक एसेट नहीं है, जो कि कहीं ना कहीं चेंज होती रहती हैं। स्टॉक वाला एग्जांपल इसके अंदर आपको रिलेट करके चलना है। ऑब्सोलेसेंस, डिमिनेशन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट बाय रीजन ऑफ इट्स बिकमिंग आउट ऑफ डेट और लेस यूजफुल ड्यू टू टेक्नोलॉजी चेंज। तो अगर कभी भी टेक्नोलॉजी चेंज करने की वजह से कोई भी अगर वैल्यू गिरती है तो उस टेक्निकल टर्म को हम नाम लेते हैं ऑब्सोलेसेंस, और कुछ भी इसको लेकर नहीं चलना है। हाँ जी, फिर आपको रूल बताने हैं, अगर कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट ना हो, इतना सिंपल लेवल तक का पार्ट भी उठा के कॉपी पेस्ट करके पूछ ले जाता है, और बताओ क्या ही चाहिए। हाँ जी, तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ना हो तो पार्टनरशिप डीड नहीं है तो 5 ये वही रेशियो इक्वल होनी चाहिए। आईओसी नहीं मिलेगा, आईओडी नहीं लेना है, रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा, सैलरी बोनस वगैरह नहीं मिलेगा, लोन पे 6% का पार्ट होगा। फिर इसमें एक चीज और बात, लोग भी नए पार्ट को एडमिट करना चाहते हैं तो पुराने सभी पार्टनर का अप्रूवल चाहिएगा, ये काम की बात है आपके लिए। हाँ जी, एज पर द एक्ट इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, तो इसमें सैलरी नहीं मिलने वाली, आईओसी नहीं मिलने वाला, आपका ड्रॉइंग पे नहीं होने वाला, लोन अगर है आपका तो 6% का पार्ट रहेगा, प्रॉफिट इक्वली रहेगा, तो उसके साथ में आप न्यू पार्टनर के एडमिशन को लेकर भी लाइन बोल सकते हैं, उसमें ऑल अप्रूवल, ऑल पार्टनर का अप्रूवल आपको चाहिएगा। चलिए अब आपके दिसंबर 21 की बात करते हैं। अमाउंट स्पेंड टू मिनिमाइज द वर्किंग एक्सपेंस इज रेवेन्यू एक्सपेंस, नहीं सर, वर्किंग एक्सपेंस को अगर तुम मिनिमाइज करना चाहते हो तो उसके लिए कुछ आपको, लाइक तुम गाड़ी चला रहे हो, पेट्रोल का खर्चा लगता है तो आपने सीएनजी लगवा ली सर, तो वो वर्किंग एक्सपेंस अगर कम होगा तो उसके लिए सीएनजी की फिटिंग वाला खर्चा जो होगा वो मेरा कैपिटल एक्सपेंस होगा, ना कि रेवेन्यू एक्सपेंस, ध्यान कर लेना काम की बात है। चलिए सर, फिर कह रहा है एक्सपेंस ऑन द रिपेयर फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन परचेज ऑफ ओल्ड बिल्डिंग आर कैपिटल एक्सपेंडिचर। हाँ, ये कुछ काम की बात कह रही है कि कोई भी अगर पहली बार कोई खर्चा ओल्ड बिल्डिंग पे किया गया है उस एसेट को पुट टू यूज करने से पहले, रिपीट ये भी हो रहा है बॉस, ये भी पार्ट यूं का यूं रिपीट हो रहा है। कैपिटल रिवेन्यू वाले पॉइंट के कॉन्टेक्स्ट को लेकर आप पढ़ के चलेंगे तो चीजें आपको रिपीट होती हुई दिखेंगी वहां पर। हाँ जी, दिस इज ए पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग अकॉर्डिंग टू दिस इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। हाँ जी, अगला पॉइंट क्या बोल रहा है आपके सामने, प्रोविजन फॉर बैड डेट इज डेबिटेड टू सन्ड्री डेटर अकाउंट। क्या बात कर रहा है सर, प्रोविजन का जो पार्ट है उसकी एंट्री पीएनएल टू प्रोविजन के नाम से होती है, साथ में केवल डिस्क्लोज कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि डेटर में से लेस करके आपको दिखा के चलना है। तो थर्ड पॉइंट को लेकर प्रोविजन इज डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट में होगा एंड बैलेंस शीट में ये शो करता है, आइदर ऑन लायबिलिटी साइड भी कर सकते हैं या फिर आप डेटर में से लेस कर, कईयों को फिर ये देख के लगता है हाँ सुना हुआ है या देखा हुआ है कि डेटर में से लेस हम करते थे। अरे भाई, आप जो करते थे ना वो केवल साथ में डिस्क्लोज कर रहे हैं, और कोई राम कहानी इसके ऊपर नहीं है, तो इसको लेकर यूजलेस कंफ्यूजन पॉइंट में आपको नहीं जाने का। ठीक है, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर एंजॉय वोटिंग राइट्स। सर, पहली बात तो पार्टिसिपेटिंग का मतलब वो मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं होता है, वो उसके सरप्लस प्रॉफिट के अंदर पार्टिसिपेट होता है। कई बार ये पढ़ के बच्चा कंफ्यूज होता है। देखो, हमारे प्रेफरेंस शेयर कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, ये मीनिंग की, अब जब आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ रहा है या प्रीवियस पार्ट आप लगा रहे हो तो इसके कॉन्टेक्स्ट में जो भी टॉपिक हो पूरा रिकॉल कर लो एक बार। तो आप पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग से काम नहीं चलने वाला। केवल पहला कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल, कि जब हमें पता है ना प्रेफरेंस शेयर की एक फिक्स लाइफ होती है जो कि नॉर्मली 20 साल की होती है और हमें पैसा उसका जो है वापस करना ही करना होता है। अगर पैसा वापस करना है तो उसमें आप पैसा वापसी के टाइम पर एक ऑप्शन आता है क्या, कन्वर्टिबल और नॉन कन्वर्टिबल, कि आप उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, दैट इज कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर।
आगे आता है रिडीमेबल इरिडीमेबल, अब प्रैक्टिकली इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होते ही नहीं है। आगे आता है क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव में होता है कि आपको डिविडेंड जो पे करना था अगर आपने किसी साल कमाया ही नहीं तो कॉमन सी बात है ना, आप डिवेंचर थोड़ी हो कि नहीं हमें डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा। डिविडेंड तो तब मिलेगा जब कंपनी कुछ कमाती होगी, ठीक है, नहीं कमाती अब क्या होगा। तो सर आप जब अगले साल कमाओगे ना तो सर आप ना पिछले वाले ईयर का भी डिविडेंड ले सकते हो। कब ले सकते हैं भाई, जब आप क्यूमुलेटिव हमें शेयर होगे। अगर आप नॉन क्यूमुलेटिव हो ना, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, पुराने पार्ट की वैल्यू को लेकर कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, ये दिमाग में डाल लेना। और पार्टिसिपेटिंग में क्या था कि देखो तुम्हारे नाम के आगे लिखा हुआ 10% प्रेफरेंस शेयर, 12% प्रेफरेंस शेयर, तो अगर तुम्हें रेट बता रखा है तो उस रेट से तुम्हें डिविडेंड मिलेगा। लेकिन अगर तुम पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो, इशू के टाइम बताया जाता तुम किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो उसमें प्रेफरेंस शेयर को देने के बाद, इक्विटी को देने के बाद जो सरप्लस बच जाता है उसमें कुछ पार्टिसिपेट करने का अगर आपको राइट है, तो ऐसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर बोला जाता है। हाँ जी, नो एंट्री पास बाय कंसाइनी इन हिज बुक्स फॉर द रिमेनिंग स्टॉक। आप देखो ना आगे सेम वर्किंग पार्ट, मतलब कंसाइनर कंसाइनी के रिगार्डिंग पॉइंट चल रहा था पीछे वाले पॉइंट के अंदर। उसने पूछा था कि जब भेजा जाता है तब एंट्री करता है क्या, इसने क्या पूछ लिया कि भैया जब वो सामान जो है उसके बुक्स के अंदर स्टॉक बच गया तो वो कोई भी एंट्री पास नहीं करेगा। तो फिफ्थ पॉइंट को लेकर बिल्कुल ट्रू कह रहा है सर, क्योंकि जो स्टॉक बचा हुआ ना कंसाइनी के पास उसका मालिक कौन है, कंसाइनर, तो वो अपनी बुक्स के अंदर एंट्री पास करेगा, कंसाइनी क्यों एंट्री पास करेगा। चलिए सर, डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक इज नेवर बैलेंस्ड। हाँ जी, देखिए नॉमिनल नेचर के अकाउंट बैलेंस नहीं होते हैं, वो क्लोज होते हैं। रिपीट हो रहा क्वेश्चन, अब ये डिस्काउंट वाला जो कॉलम है सर ये नॉमिनल नेचर अकाउंट है और ये अकाउंट बैलेंस नहीं होता, ये क्लोज होता है बाय ट्रांसफर इट टू द पी एंड एल अकाउंट। डेबिट बैलेंस अगर डिस्काउंट को अलाउड कर रखा है मतलब, तो आप एंट्री करेंगे पी एंड एल टू डिस्काउंट। अगर ये क्रेडिट बैलेंस है तो क्लोज करने के लिए एंट्री क्या करेंगे, डिस्काउंट टू पी एंड एल। रिपीटेशन दिखा रहा हूं मैं आपके सामने, ये रिपीटेशन हो गया, ये रिपीटेशन हो गया आपके सामने, ठीक है ना, और ये डेटर वाला रिपीट हो गया आपके सामने, ओल्ड बिल्डिंग वाला रिपीट हो गया आपके सामने, कुछ हद तक ये वर्किंग एक्सपेंस वाला भी कह सकते हैं। तो अभी तो मॉक पूरे पूरे पड़े हैं और अभी तो पूरा पूरा कंटेंट आपके सामने है जो आप अब एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग अगर आप लेके चल रहे हैं। अब आपकी दो अप्रोच होती हैं, एक होती है कैश बेसिस, एक होती है एक्रूवल बेसिस। कैश बेसिस में कहते हैं कैश गया तो एक्सपेंस, आया तो इनकम। एक्रूवल कहता है कि पेमेंट के आने जाने के बेस पर डिसाइड नहीं होना चाहिए, एक जो टाइम पीरियड उसके बेस पर उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड से बिलोंग करने वाले जो आइटम होंगे ना सर उस कॉन्टेक्स्ट में बात की जाएगी। तो अगर सैलरी पे करनी है, मैंने पे 10 महीने की है तो ये नहीं मेरे खर्चे 10 महीने के हैं, एक्चुअल में जितने का बेनिफिट मैं ले चुका हूं तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड से वो आइटम बिलोंग करेगा और उस बेस पर आप उसको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। अमोर्टाइजेशन, अब इसमें जो इंटेंजिबल आपकी एसेट्स होती है उनकी वैल्यू जो कम होती जाती है उस टेक्निकल टर्म को हम अमोर्टाइजेशन बोल के चलते हैं। हाँ जी, कंटिन्यू एसेट रिपीट हो रहा है यार, अब तो मानोगे, कोई भी अनसर्टेन पार्ट पे डिपेंड है सर, फ्यूचर में होने वाला कंटेंट है। अब ये देखो ना चार नंबर एक नंबर, अब आपसे रिक्वेस्ट है इसके राइटिंग पैटर्न को थोड़ा सा मतलब एक्सप्लेन करने वाले कंटेंट को ध्यान समझना, लिख के देख लेना एक बार। अभी बिल्कुल पेपर आपका परसों है तो ये कंटेंट जो आप देख रहे हैं फिर भी एक बार जिन चीजों को थोड़ा सा अटपटा मान दे एक दो को लिख के देख लो। तो एसेट ऑफ एग्जिस्टेंस ऑनरशिप और वैल्यू विच मे बी नॉन और डिटरमाइंड ओनली ऑन द अक्रेंस और नॉन अक्रेंस ऑफ वन और मोर अनसर्टेन। तो एग्जामिनर आपका अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट देखना चाहता है, ऑक्रेंस और नॉन ऑक्रेंस देखना चाहता है। जरूरी नहीं है डिट्टो सेम लैंग्वेज, पहले आपके मॉड्यूल में लैंग्वेज है, यहाँ लैंग्वेज है, मॉक में लैंग्वेज है, जिससे भी आपको क्लियरिटी होकर एक्सप्लेन की फ्यूचर में होने वाले अनसर्टेन, फ्यूचर अनसर्टेन आउटकम, फेवरेबल अनफेवरेबल, एसेट है तो फेवरेबल हो गया, लायबिलिटी है तो अनफेवरेबल की पे करना पड़ सकता है मुझे। ऑब्लीगेशन टू एग्जिस्टिंग कंडीशन सिचुएशन विच मे अराइज इन फ्यूचर, यहाँ ऑब्लीगेशन आनी है और यहाँ पे एसेट आनी है, पेमेंट मिलनी है, तो यहाँ ग्रेजुअल एंड सिस्टमेटिक राइटिंग ऑफ एसेट ऑफ अकाउंट ओवर एंड अप्रोप्रिएट, तो यहाँ पे इंटेंजिबल एसेट्स को लेकर यहाँ कंटेंट बोला, इसने मिसिंग छोड़ रखा कंटेंट, ठीक है। एक्रूअल बेस आपके सामने आ चुका है।
प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट का मतलब क्या होता है सर? ठीक है ना, अब इतना तो कॉन्टेक्स्ट आप जर्नल लेजर ट्रायल के टाइम पे बात कर ही चुके हैं कि प्रिंसिपल बुक्स कौन कौन सी हैं हमारी, तो अब जर्नल एंट्रीज के बेस पर वर्किंग आ रही, बिल्कुल मजाक के मोड में वर्किंग आ चुकी है। तो इसमें मुझे लगता है कुछ सच नया पॉइंट आपके सामने, नवंबर 20 का पार्ट है, इनकेस एडमिशन न्यू पार्टनर प्रॉफिट लॉस और रिवेल्यूशन इज ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सर ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, क्लास 12th का बच्चा भी इस वर्किंग को लेकर जानते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इन बैलेंस शीट ऑफ एक्स प्रिलिमरी एक्सपेंस ₹5 लाख एंड सिक्योरिटी प्रीमियम ₹35 लाख आर अपियरिंग। तो पहले से ये दो चीजें हमारी बुक्स में दिख रही हैं। अकाउंटेंट कैन यूज दिस बैलेंस इन सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट टू राइट ऑफ प्रिलिमरी एक्सपेंसेस, बिल्कुल कर सकता है सर, राइट ऑफ करना अलाउड है इसके अंदर। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ प्लांट मशीनरी कंप्लीटली डैमेज बाय फार इज कैपिट, बिल्कुल सही कह रहा है सर ये भी। परचेज ऑफ फर्नीचर ऑफ 25 डेबिट टू जनरल एक्सपेंस, इट इज एन एरर ऑफ ओमिशन। नहीं सर, ये तो आपने कहा कि गलती से वहां डाल दिया, तो प्रिंसिपल एरर है। कैपिटल एक्सपेंस को तुमने रेवेन्यू एक्सपेंस अगर दिखा दिया है तो ये एक्सपेंस आपका प्रिंसिपल एरर वाले कंटेंट में आता है। A limited sending goods costing 52 B on concerned basis, accountant opinion that these goods should be sent under sale invoice. तो क्या ये सेल है? नहीं सर, ये सेल नहीं है, इसको आप सेल तब मानेंगे जब वो कंसाइनी से कस्टमर लेके चला जाता है। कंसर्न प्रपोज डिस्कंटिन्यूस ऑपरेशन एंड डिसाइड टू डिस्पोज ऑल प्लांट विद इन पीरियड ऑफ 3 months, बैलेंस शीट एज ऑन 31st December शुड कंटिन्यू टू इंडिकेट द प्लांट एट हिस्टोरिकल कॉस्ट। नहीं सर, जब बिजनेस बंद होने की कगार पर है तो हिस्टोरिकल कॉस्ट नहीं, एनआरवी मार्केट रेट एनआरवी नेट रिलायबल वैल्यू पे आप उसको रिकॉर्ड करेंगे। बिजनेस अगर रूटीन में कंटिन्यू कर रहा है तो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे आप दिखा के चलेंगे, लेकिन बिजनेस अगर बंद होने के पॉइंट पर है तो आप हिस्टोरिकल पार्ट फॉलो नहीं करके चलेंगे, तो वहां पे मार्केट रेट पर नेट रिलायबल वैल्यू पर आप उसको रिकॉर्ड करके चलेंगे। सबकी एक्सप्लेनेशन पॉइंट थोड़ा ध्यान से पढ़ के चलना है, कहीं कोई डाउट है तो दिक्कत आप पूछ सकते हैं। परफॉर्मा इनवॉइस वर्ड यहाँ पे थोड़ा ध्यान में रख के चल लेना, ठीक है ना, और ये रिलायबल वैल्यू जो है ये ध्यान में लेके चल लेना। इस चीजों को लेकर थोड़ा सा अपने नोट्स ढंग के बना लो, एग्जाम हॉल के बाहर पढ़ सकते। सीए भाई साहब जो सोसाइटी हो क्या वैल्यू दे के चलते हैं? सर सीए जो है अकाउंट्स मेंटेन करता है, जो आपके प्रॉफिट लॉस को निकालने में हेल्प करता है, ठीक है ना, आपके जो है मैनेजमेंट को एडवाइस करके चलता है सर, टैक्स कंसल्टेंसी का काम करके चलता है, आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट को निकालने, जो भी तुम्हारे अकाउंट्स के बेनिफिट तुम्हें पता है वे तो सारे पेली दो आप वहीं के वहीं, तो ये बेनिफिट तो आपका सीए साहब देंगे देंगे, ठीक है। इकोनॉमी को ग्रो करने में हेल्प करेगा करेगा वो आपका। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई सोसाइटी में रोल इनका क्या है? फाइनेंशियल लिटरेसी का काम है, लोगों को जो बिजनेस के अंदर जो इन्वेस्टमेंट करनी है सर, उस इन्वेस्टमेंट में को मैं रेंट पे लूँ या खरीदूँ तो वो किस प्रोफाइल में लूँ, तो फाइनेंशियल जो प्रोफाइल बिल्डिंग का जो काम होकर चलेगा उसमें सीए साहब जो है वो काम करके चलते हैं सर। तो प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटेंसी क्रॉस इज यूजुअल डोमेन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेटमेंट एंड ऑडिट देयर फ्रॉम। तो केवल अकाउंट और ऑडिट वाले पॉइंट तक ही कहानी लिमिटेड नहीं है, सीए प्रेजेंटली टेकिंग एक्टिव रोल इन कंपनी लॉ के अंदर भी उसका रोल बहुत अच्छा है, और आपके कॉर्पोरेट लीगेशन मैटर के अंदर भी है, टैक्सेशन के अंदर तो इनका रहता ही रहता है, एंड इन जनरल मैनेजमेंट की रूटीन प्रॉब्लम्स को भी गवर्न करते हैं। सम सर्विस रेंड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट टू सोसाइटी आर बुक्स अकाउंट मेंटेन करना, स्टैचुरी मतलब होता है जो लीगल ऑडिट करते हैं जो लॉ ने बोला हुआ है, और ये इंटरनल ऑडिट करना टैक्स। अब ऑडिट वाला टर्म आपके सीए इंटर के अंदर वर्किंग बन के आता है, ऑडिट मतलब जो चेक करना बुक्स ऑफ अकाउंट, इंटरनल ऑडिट होता है कि जहां तुम अपने लेवल पर अपने लाइक स्कूल के अंदर आपके जो एग्जाम्स होते हैं वो इंटरनल एग्जाम है, सीबीएसई जो एग्जाम लेके चल रहा था आपके वो एक्सटर्नल एग्जाम है जो लॉ ने बोला हुआ है, क्योंकि कंपलसरी है वो इंटरनल एग्जाम साल में 2 बार लें 5 बार लें, स्कूल का कॉल है उसके अंदर, वो अपनी क्वालिटी के रिक्वायरमेंट को देखकर हम ये काम करके चल रहे हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, फाइनेंशियल एडवाइस का ये काम करके चल रहा है, सेक्रेटरियल वर्क ये प्रोवाइड करता है, शेयर स्टेशन वर्क, कंपनी फॉर्मेशन, ठीक है ना, आर्बिट्रेशन के आपस में डिस्प्यूट हो गया तो उसमें भी रिजोल्यूशन का काम ही करके चलता है। हाँ जी, फैक्टर बताओ कि डेप्रेशन को कैलकुलेट करने के अंदर किन किन चीजों का रोल प्ले आप लेके चलते हैं 5 नंबर के अंदर, एसेट की कॉस्ट, फिर उसकी यूजफुल लाइफ। अब ये चीजें जब यहाँ पे पढ़ रहे हैं सेम टू सेम एग्जाम हॉल में आपके सामने ये याद आ पाएंगी नहीं आ पाएंगी, तो प्लीज उसके दम पर एक बार लिख लो, सारी थ्योरी नहीं कह रहा मैं,
80% थ्योरी 70% थ्योरी ऐसी भी है जो थोड़ा सा आपके वर्ड्स में बन जाती हैं, लेकिन जिन चीजों के रिगार्डिंग नहीं बनता है, प्लीज उनके बारे में लिख के प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर ले, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज मान जाओ उस बात को। हाँ जी, फिर बताना है सर आपके सामने आपने वही टेम्परेरी हट अगर बनाई है वेयर नेसेसरी फॉर द कंस्ट्रक्शन सिनेमा हॉल के लिए और वो डिमोलिश कर दी, सिनेमा हॉल वाज रेडी, क्या वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है? सर बिल्कुल सही कह रहा है सर, मान लो आप कोई सिनेमा हॉल बन रहा है, लेबर को रोकने के लिए आपने वहां पे हट वगैरह डाली हुई थी, तो उस एसेट को यूजफुल कंडीशन में लाने तक का जो भी खर्चा होगा उसकी कॉस्ट में ऐड होगा। हाईवे बन रहा है सर, उसके साथ में टेम्परेरी शेड वगैरह बना रखे थे स्टाफ को रुकने के लिए, लेबर को रुकने के लिए, वो उसकी कॉस्ट में ही ऐड होगा सर सारा सारा, तो वो आपका ट्रू पार्ट है। अमाउंट पोस्टेड इन द रोंग अकाउंट रिटन ऑफ ऑन द रोंग साइड इज कॉल्ड एरो प्रिंसिपल। अब तो रिपीट मानोगे सर, ये आपका क्लेरिकल के अंदर कमीशन एरर है, तो आप पूरा पार्ट पर प्रिंसिपल में केवल कैपिटल और रेवेन्यू वाली गलती है, तीन बार रिपीट हो चुका कंटेंट। इन केस ऑफ कंसाइनमेंट सेल ओनरशिप विल बी ट्रांसफर टू कंसाइनी एट द टाइम ऑफ रिसीविंग द गुड्स। अब ये भी मानोगे रिपीट कितनी बार हो गया ये, अगर कोई कंसाइनमेंट में सामान बिक रहा है ओनरशिप जो है वो ट्रांसफर नहीं होके चलती है। ड्यू डेट ऑफ विल फॉलो आफ्टर डेट ऑफ क्लोजिंग द अकाउंट द इंटरेस्ट फ्रॉम डेट ऑफ क्लोजिंग से ड्यू डेट। अभी रेड इंक को लेकर अच्छा पॉइंट है, पहले भी ये थोड़ा सा उसमें रहा है, तो ये रेड इंक को लेकर एग्जैक्टली ट्रू वर्किंग आई हुई है, अकाउंट करंट वाली वर्किंग ध्यान से गो थ्रू कर लेना है कंटेंट, नहीं तो अकाउंट करंट वाली वीडियो में ये पॉइंट एक्सप्लेन कर रखा है मैंने। LLP is governed by Indian Partnership Act. सर ये LLP वाला जो भी सारा मामला चलता है ये आपका जो है लिमिटेड लाइबिलिटी एक्ट सेपरेटली पार्ट में काम करेगा। देखिए पार्टनरशिप रजिस्टर करनी है तो आपका रजिस्ट्रार जो होता है, जैसे ट्रस्ट वगैरह बनते हैं वो काम करते हैं, LLP बनाने के लिए MCA गवर्न करेगा उस चीज को, और इसका एक्ट भी सेपरेट है, ना कि ये पार्टनरशिप एक्ट के अंडर आता है, ये मार्क्स फ्री फंड में खराब मत कर लेना अपने। सेल्स एंड फिक्स एसेट इज एक्सप्रेस एज वर्किंग कैपिटल रेशियो, कैसी बात कर रहे हो सर, सेल्स एंड फिक्स एसेट इज एक्सप्रेस एज ए फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, अभी आपके सिलेबस में है नहीं सर, ये पहले अकाउंटिंग रेशियो हुआ करता था, क्योंकि हम पहुंच चुके हैं मई 19 के पेपर के अंदर, इसलिए आपकी जो वर्किंग है वो डिफरेंट हो रही है। गोइंग कंसर्न एंड कॉस्ट कॉन्सेप्ट, अब गोइंग कंसर्न भी रिपीट हो गया सर, गोइंग कंसर्न था बिजनेस के अंदर लॉन्ग रन के अंदर पार्ट की इंटेंशन से हम काम करके चलते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन बीच में आया था कि बिजनेस बंद हो रहा है तो क्या हम हिस्टोरिकल कॉस्ट दिखाएंगे, नहीं, वहां पे हम अपनी नेट रिलाइजेबल वैल्यू दिखाएंगे, अदरवाइज अगर बिजनेस लॉन्ग रन तक चल रहा है तो वहां पे हम अपनी हिस्टोरिकल कॉस्ट में रिकॉर्ड कर चलते हैं, इस इंटेंशन से बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। बाय दिस कॉन्सेप्ट वैल्यू एसेट इज टू बी डिटरमाइंड द बेसिस ऑफ द हिस्टोरिकल कॉस्ट, इन अदर वर्ड्स एक्वेशन कॉस्ट, ऑल्दो देयर आर वेरियस मेजरमेंट बेस्ड अकाउंटेंट ट्रेडिशनली प्रेफर दिस कॉन्सेप्ट इन इंटरेस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, इट इज हाईली ऑब्जेक्टिव एंड फ्री फ्रॉम ऑल बायस। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली हम जब बुक्स के अंदर कोई भी एसेट को रिकॉर्ड करते हैं, जितने की मुझे पड़ी, जितने को यूज करने से पहले जो भी खर्चा लगा, जो कॉस्ट मार्केट में रेट क्या है उस बेस पर नहीं, मेरे लिए वो एसेट कितने की पड़ी मैं उस बेस पर रिकॉर्ड करता हूँ। अब मैं खुद ही अपनी बिल्डिंग बना रहा हूं तो बिल्डिंग बनाने वाली जो कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं हो सकता है मार्केट में बिल्डिंग 5 करोड़ की, मेरी 4 करोड़ में तैयार हो गई, तो मैं अपने जितनी कॉस्ट लगी है उस बेस पर बुक्स में रिकॉर्ड करके चलूंगा, दैट इज द कॉस्ट कॉन्सेप्ट। चलिए सर आगे आता है कि ये अगेन आपके सिलेबस का है नहीं सर अब, क्योंकि ये टॉपिक अब आ गया नवंबर 19 वाला पॉइंट। ट्रेड डिस्काउंट इज रिडक्शन ग्रांटेड बाय सप्लायर फ्रॉम द लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विस ऑन बिजनेस कंसिडर्ड फॉर द प्रॉम्प्ट पेमेंट। अब देखिए दो टाइप के डिस्काउंट होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। अब जब आप गल्ले पर खड़े होकर बात कर रहे हैं, सामान की डील कर रहे हैं, तो उस टाइम पे डिस्काउंट को ट्रेड डिस्काउंट बोला जाता है, लेकिन जब सामान बिक चुका है और उसके बाद आप पेमेंट रिकवर करवाना चाहते हैं उसके लिए आप देते हैं कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, कैश डिस्काउंट को बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। तो प्रॉम्प्ट पेमेंट, पेमेंट निकलवाने के जो डिस्काउंट होगा उसको हम ट्रेड डिस्काउंट नहीं बोलेंगे, कैश डिस्काउंट बोलेंगे। रिडक्शन ग्रांट बाय सप्लायर फ्रॉम द लिस्ट प्राइस फॉर प्रॉम्प्ट, नहीं सर इट्स नॉट ए ट्रेड, इट्स ए कैश, तो ये गलती वाली पॉइंट बोल दिया गया। दे रिनोवेटेड सम ऑफ द ओल्ड कैबिन्स, बिकॉज ऑफ दिस रिनोवेशन सम स्पेस वॉज मेड फ्री एंड नंबर ऑफ कैबिन्स वॉज इंक्रीज, टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड वॉज दिस एंड वॉज, नहीं सर अगर कोई भी आपकी एसेट की
कहीं ना कहीं उस पार्ट से कुछ यूज बढ़ जाता है तो उस वाले खर्चे को आप कैपिटल एक्सपेंस बोलेंगे, ना कि रेवेन्यू एक्सपेंस। ये रूटीन मेंटेनेंस एक्सपेंस नहीं है, इससे कैपिटल यूज जो है आपका, पहले सेटिंग कैपेसिटी 15 थी, अब 18 होगी, तो उसको हम कैपिटल एक्सपेंस दिखाएंगे, ना कि रेवेन्यू। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एट कॉस्ट एंड आर विच एवर इज लेस इज बेस्ड ऑन, बिल्कुल ठीक बोल रहा है सर, फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को हम एडवांस में दिखा के चलते हैं। तो अगर मैंने स्टॉक खरीदा 500 रुपए का, 450 का हो चुका है, तो मैं 450 के बेस पर उसको रिकॉर्ड कर चलूंगा। इन केस बिल एक्सचेंज ड्रोवर एंड पेई मे नोट द सेम पर्सन, बट इन केस ऑफ प्रोमिसरी नोट द मेकर एंड पेई। अब ये वर्किंग को लेकर भी कई बार कंफ्यूजन, प्लीज इस वर्क थोड़ा ध्यान से कर लेना। ड्रोवर एंड पेई में भी सेम पर्सन केस ऑफ बिल एक्सचेंज, वेर इन प्रोमिसरी नोट मेकर एंड पेई कांट बी सेम। तो ये वर्किंग बिल एक्सचेंज वाली वीडियो में प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर रखिए, प्लीज को लाइटली मत लेना। पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट ऑन, क्या मजाक चल रहा है सर? हाँ जी, अब पार्टनरशिप फर्म इज नॉट डिस्टिंक्ट, क्योंकि ये इसके सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं, तो कोई मजाक नहीं चल रहा है सर, इसको सेपरेट पार्ट में हम रिकॉर्ड करके नहीं चलते हैं। तो क्योंकि ये जो मालिक है ना, जो वो पार्टनर हैं, तो उनकी लाइबिलिटी ना अनलिमिटेड है, तो उनके बिहाफ पर ही सारे के सारे डिसीजन लिए जा रहे हैं। सिंस कंपनी एक्सटेंस इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर, इट कंटिन्यू टू बी इन एग्जिस्टेंस डिस्पाइट द डेथ इंसॉल्वेंसी ऑफ, हाँ जी, परपेचुअल कंसिस्टेंसी का नाम सुना होगा, बिजनेस लॉन्ग टर्म चलता रहेगा, तो किसी पार्टनर के आने जाने मरने से किसी भी कंपनी वाले पॉइंट में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। सेम रिपीट हो चुका है सर, प्रोविजन कंडीशन लायबिलिटी, जहां से आज की स्लाइड की शुरुआत हुई थी, तो डिट्टो सेम पॉइंट आपके बीच में एग्जाम पॉइंट के अंदर आया हुआ है। पीरियोडिक भी आ गया, पहले आ चुका है पीरियोडिक एंड परपेचुअल वाले पॉइंट के अंदर। परपेचुअल जो है बुक रिकॉर्ड के बेस पर आप वैल्यूएशन निकालते हैं, पीरियोडिक के अंदर आप फिजिकल काउंटिंग करते हैं, पर्टिकुलर इंटरवल के बाद स्टॉक की काउंटिंग करने के लिए आप चल के चलते हैं। तो ये सारे सारे मॉड्यूल की वर्किंग में आई हुई वर्किंग है। तो ये मई 18 जहां से आपका मेन पार्ट स्टार्ट हुआ था, ऑप्टेन लाइसेंस रनिंग सिनेमा हॉल रिपीट हो चुका है सर, फॉरफिट शेयर रिपीट हो चुका है सर, आई विल कॉल कंपनसेटिंग एंड ट्रेलेंस विल डिसएग्री, कोई भी नया पॉइंट नहीं है सर, कोई भी नया पॉइंट नहीं है, कोई भी नया पॉइंट नहीं है, ये आपके सिलेबस में है ही नहीं। रिपीट, पूरा पूरा रिपीट आने वाले सालों के अंदर आपके सामने रिपीट होता हुआ दिख रहा है सर। तो इससे जब सेम रिपीट हो रहा है सर, मई 18 में जाके अगले पार्ट के अंदर रिपीट हो रहा है, तो और तो क्या ही चाहिए, ठीक है ना। सेम नवंबर 18 रिपीट पॉइंट हो रहा है सर, रिपीट पार्ट हो रहा है सर, लाइव मर्ज रेवेन्यूक्स पर रिपीट हो रहा है सर। तो आपको कोई भी पॉइंट ऐसा लगता है ये आपके सिलेबस में है ही नहीं सर, ये भी रिपीट हो रहा है सर। तो कोई भी चीज़ अगर ऐसी है जो आपने फाइल में देखी है और यहाँ तक आप पहुँचे हैं, तो ये प्रूव करता है मेरे लिए, मेरी तरफ से जोरदार तालियां हैं। और आपको लग रहा है कि मैंने थोड़ी काम आई, कमेंट करके बता दो यार, लाइक बटन दबा दो यार, यहाँ जो पहुँचे इसलिए मैंने बोला है, बीच में कोई सुन के एग्जिट मार रहा है तो कॉमन सी बात है, उसको फ़ायदा मिलेगा ही नहीं। सेम मॉक टेस्ट हैं आपके पास में, ये तो 10 ही थे, वे 20 हैं, कुछ नहीं बचेगा उसके बाद। कितनी देर लगी वीडियो लेंथ मेरे को दिख नहीं रही है, लगभग घंटे के आसपास ही रही होगी, उससे ऊपर मतलब इससे थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर। इतनी देर तो सीए का बच्चा पढ़ेगा ही यार, इससे ऊपर क्या ही लेकर चलेगा। तो आई होप इस फाइल को लेकर कुछ फायदा आप तक पहुंच पाया होगा। तो मैं और किसी पॉइंट को लेकर भी टाइम लेगा, वीडियो लंबी हो जाए, आउटपुट क्रिएटिविटी अब निकल के नहीं आएगी, तो मैं कंटेंट यहीं कहीं समअप करता हूँ, फिर अगली वीडियो में अगर कुछ डाउट निकल के आए तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। ऑल द बेस्ट, चक दे फट्टे नब्दे गिल्ली, थैंक यू वेरी मच।